Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials because all kinds of technology related solutions are available on this channel. दोस्तों आ गए मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको गूगल लुकआउट के बारे में बताएंगे और काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स नए नए आए हैं, एक्सप्लोर मोड, उसके बाद फूड मोड, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आई है। और तो और इसमें लैंग्वेजेस भी ऐड हो गई है भैया, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी लैंग्वेज वाले ऑप्शन में। आगे और क्या क्या नया जुड़ा है, कैसा इस एप्लीकेशन का यूसेज है, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में विजिट करें, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग परसेंटेज नीचे आता जा रहा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और हाँ, लाइक मारने में आप लोग क्यों कंजूसी करते हो पता नहीं, तो जाते समय वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों चलिए चलते हैं लुकआउट में और देख लेते हैं किस तरह से इसमें क्या क्या नया आया है और लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई है। जैसे मैंने कहा इंट्रो में हिंदी लैंग्वेज भी ऐड हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो लुकआउट में चलते हैं। 12 seconds. Lookout. Lookout onboarding 103. Welcome to Lookout. तो इन्होंने मैं पहले वेलकम कहा लुकआउट सर ने, तो लुकआउट को जो हम पहले हाय कहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Lookout onboarding. Your images are processed and stored on your device. To improve how Lookout works, Google may log usage data and whether any accessibility services are on while you're using Lookout. The Google Terms of Service. Apply to the No, thank you. I agree. Agree करेंगे इसे? Lookout uses your device's camera to help read text and record. Get started. Lookout जो हमारा कैमरा यूज करेगा ये बता रहा है, तो हम get started करेंगे। Allow Lookout to take pictures and record video. Allow. तो परमिशन देनी है हमें कैमरा की, इसे अलाउ करेंगे। Choose an account on top. Screen Tech Assistant for Blind. Account check करेंगे और add account. Cancel. Okay. Okay पे क्लिक करेंगे। Tips for text mode on top. Screen recorder on bottom. Point your camera. Not checked. Don't show this again. अब ये बता रहा है कि टेक्स्ट मोड के लिए कुछ टिप्स हमें दे रहा है ये, तो इसको जो है आप ये बता रहा है कि आप जो है कैमरा सामने किसी भी टेक्स्ट के सामने रखे और ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है Point, not checked. Don't show this again. Don't show this again इस पे चेकबॉक्स करेंगे। Checked. Okay. Stop it. Okay. और ओके पे क्लिक करेंगे। Lookout text mode. Turn camera off. तो अभी जैसे आप इसको ओपन करोगे टेक्स्ट मोड सिलेक्टेड है। Food labels. What explore? Night explore. Beta. Tips for explore. अब यहाँ पर जो है चार ऑप्शन है आपके मतलब होम बैक ओवरव्यू के ऊपर आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे जो है एक्सप्लोर है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक्सप्लोर मोड पे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए। Point your camera around you to hear about what's in your environment, such as people, objects, and text. Moving the not checked. Okay. तो इसको आपको चेकबॉक्स लगाना ओके करते हैं। एक्सप्लोर मोड पे सिलेक्ट है अभी फिलहाल ये। Oh, selected. Explore beta. लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो है ये एक्सप्लोर का ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है मैंने। उसके बाद हम स्वाइप करेंगे। Food labels beta. फूड लेबल, फूड वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, राइट में स्वाइप करेंगे। टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है। currency. और करेंसी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर एक्सप्लोर वाला, ये काफी बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैंने एक्सप्लोर पे सिलेक्ट कर रखा है, तो हम लोग कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं। मोबाइल फोन दिखाते हैं इसको पहले, दूसरा फोन है मेरे पास, पहचानते हैं कि देखते हैं। तो इसने जो मोबाइल फोन पहचान लिया। बेड की तरफ दिखाते हैं, बेड को पहचान। फर्नीचर तो बोल चुका है ये, आगे देखते हैं। कुछ और एक्सप्लोर करके देखते हैं, चेयर की तरफ लेके आए हम लोग। चेयर भी जो है ये रीड कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ ये रीड करता है। और ये बेटा वर्जन में, बेटा वर्जन में है अभी जो है।
जो पूरी तरह से जो है इसके सारे फीचर्स लॉन्च नहीं हुए हैं, बेटा वर्जन में ये काम कर रहा है। तो आगे वाला ऑप्शन देखेंगे, फूड लेबल, ठीक है। तो फूड लेबल जो है ये आपका जो फूड का जो प्रोडक्ट है, जो भी आप फूड खरीदते हो उसका जो प्रोडक्ट है उसका बारकोड ये स्कैन करेगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई फूड नहीं है, तो वो फूड आप जैसे इसके सामने लेके आओगे कुछ डेटा आपसे डाउनलोड करवाएगा, इस पर देखते हैं। अब ये कह रहा है कुछ डेटा जो है आपसे डाउनलोड करवाएगा ये, ठीक है, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है डेटा डाउनलोड होगा। मैं नॉट नाउ करूंगा। अब यहाँ पर चेंज कंट्री का ऑप्शन आपको मिलता है सबसे पहले, तो आप यहाँ पर आके अपनी कंट्री चेंज कर लोगे तो उस हिसाब से ये फूड आपको फूड के जो कोड है वो सारे रीड करेगा। Selected, food labels, beta, text. टेक्स्ट मोड है, टेक्स्ट मोड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट मोड में जैसे ही सिलेक्ट करते हो ये सारा Zero, का सारा टेक्स्ट बड़ी दूर दूर से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास 100 रुपीस की नोट है, देखते हैं। तो ये जो है टेक्स्ट 100 रुपीस की नोट रीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो तुरंत जैसे आप स्कैन करोगे सामने तो ये रीड करना स्टार्ट कर देता है। या फिर आप अगर किसी दुकान पे हो या फिर बाहर चल रहे हो और अगर आपको रीड करना है किसी शॉप का बोर्ड नेम होता है जो आपको रीड करना है, तो वो भी आप काफ़ी दूर से जो इसे रीड करवा सकते हो और काफ़ी अच्छे से रीड करता भी है। तो ये जो टेक्स्ट है मतलब टेक्स्ट मोड है, काफ़ी बेहतरीन इसका काम करता है। और इसमें जो है आपको लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, देखिए चेंज लैंग्वेज का बटन मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज चेक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए है ना, हिंदी लैंग्वेज भी आ गई है। तो आप लोग जो हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करके हिंदी भी टेक्स्ट रीड कर सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन है। सब कुछ रीड करके बताना नहीं है, नहीं तो वीडियो जो है बड़ा हो ही जाएगा। गूगल के प्रोडक्ट है तो इतना तो बिलीव हम कर ही सकते हैं। आगे बैक करेंगे, अब ये डॉक्यूमेंट मोड जो है इसका बहुत बेहतरीन लगा मुझे। बाकी किसी भी एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छे से ये काम नहीं करता ये फीचर, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपका, तो एक दृष्टिबाधित को सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसकी इमेज कैसे खींचे डॉक्यूमेंट की, कभी क्रॉस आ जाएगी तो कभी हम उल्टा ही डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच लेंगे। तो ये गाइड करता है कितना दूर है, कितना पास है, राइट है, लेफ्ट है, सही आपसे गाइड करवाएगा। उसके बाद ये खुद ही इमेज खींच लेगा, डॉक्यूमेंट करेक्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा तो ये खुद ही फोटो खींच लेगा। ओके करेंगे इसको। अब जो मैं कुछ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर दिखाता हूँ उसको स्क्रीन पर, देखिए क्या बोलता है। ठीक है, इसने कहा मूव वे, थोड़ा दूर करते हैं। right. अभी राइट करने के लिए कह रहा है, राइट करेंगे। इसने कहा होल्ड स्टिल रुकने के लिए, ये फोटो खींचेगा, फोटो खींच details. तो देखिए जैसे ही करेक्ट स्क्रीन पर जो है डॉक्यूमेंट दिखने लगा तो उसने जो है इमेज खींच ली और जो भी है स्क्रीन पर सामने आ गया। Share. Delete 380 Reserve Bank of India 180 L 580 240. तो 100 रुपीस की नोट है उसकी जो है मैंने इमेज खींची और वो जो है जो भी लिखा हुआ उसमें सामने उसने रीड करके बता दिया। तो ये काफी बेहतरीन है। One item deleted. Lookout documents mode. Selected. Currency. अब ये करेंसी मोड है, करेंसी मोड आपको पता होगा सामने। सामने जो है आपको करेंसी पकड़ना है और ये जो है काफ़ी अच्छे से रीड कर लेगा। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है लुकआउट वाला, इसका सबसे बेहतरीन फीचर मुझे लगा टेक्स्ट मोड। जब मैं रास्ते पे चल रहा होता हूँ तो ज़्यादातर लुकआउट का यूज़ करता हूँ जो है। अगर मुझे कोई शॉप का नाम देखना है तो शॉप का नाम मैं सीधे टेक्स्ट मोड में जाता हूँ, शॉप का नाम रीड करवा लेता हूँ, इसे बहुत जल्दी रीड करता है बाहर। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो लाइट का इशू है इसके लिए इतना अच्छे से रीड नहीं करेगा, लेकिन बाहर बहुत बेहतरीन काम करता है। और डॉक्यूमेंट मोड इसका बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि ये खुद गाइड करता है कि डॉक्यूमेंट कितनी दूर रखने पर जो है बराबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। टेक्स्ट मोड भी इसका अच्छे से काम करता है। और एक्सप्लोर मोड जो है ये अभी बीटा वर्जन में है,
काफ़ी सारी चीज़ें सही बता देता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है गलत भी बताता है, क्योंकि बेटा वर्जन में है। तो जैसे जैसे इमेज बढ़ेगी इसमें, गूगल अपना डेटा इसमें बढ़ाएगा, तो वैसे वैसे जो है इसमें काम होता जाएगा। ये कुछ मतलब बाइसिकल है, बैग है, तो ये सब रीड कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इस लुकआउट एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करोगे। अब तो इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आ गई है, और भी इसमें लैंग्वेजेस आने वाली है, तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और टोटल फ्री है। इसका मुझे नहीं लगता आगे चल के कोई चार्जेस होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करें और मज़े करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, और हाँ, हमारे ग्रुप्स में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऑप्शंस आपको अबाउट पेज में दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। दूसरी चीज़, आपको वीडियोस शेयर करनी है, क्योंकि शेयरिंग परसेंटेज नीचे आ रहा है। आप वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहे। और हाँ, एक अपडेट, जल्द ही आप लोगों के लिए अर्निंग वाली वीडियोस आएंगी, तो वेट करें। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।